रोशनी से जगमगाया झांसी फाटक स्थित नवनिर्मित ओवरब्रिज, विधायक व स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने किया उद्घाटन, स्थानीय वार्ड पार्षद ने जताई नाराजगी। झांसी फाटक स्थित नवनिर्मित ओवरब्रिज जो बीना का एक पहला ऐसा ओवरब्रिज है जिसको निर्माण होने में कई वर्ष लग गए। कई समस्याओं से जूझ रहा ओवरब्रिज आज रोशनी से जगमगाने लगा और पीडब्ल्यूडी के द्वारा आयोजित किए गए उद्घाटन कार्यक्रम में विधायक निर्मला सप्रे, नगर पालिका अध्यक्ष लता सकवार ने नानक वार्ड पार्षद बीडी रजक, इंदिरा गांधी वार्ड पार्षद जितेंद्र भोरे के साथ स्विच चालू कर ब्रिज की लाइट का उद्घाटन कर दिया, जिसके बाद पूरा ब्रिज रोशनी से जगमगाने लगा। हालांकि नगर पालिका के द्वारा ओवरब्रिज को हैंडओवर नहीं दिया गया। वहीं उद्घाटन को लेकर नानक वार्ड पार्षद एवं इंदिरा गांधी वार्ड पार्षद सहित अन्य पार्षदों ने कार्यक्रम की सूचना नहीं मिलने पर नाराजगी जाहिर की। कार्यक्रम के दौरान पीडब्ल्यूडी एसडीओ कनीज फातिमा, मनोज शर्मा, शुभम तिवारी, शैलेश साह, राजा बाबू यादव सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। नहीं, इसको उद्घाटन हुआ है, लेकिन हमारे जो एसडीओ इसके पीडब्ल्यूडी के हैं, आज इन लोगों ने मैं स्थानीय पार्षद हूँ नानक वार्ड से, और मेरे वार्ड में ही ये ब्रिज आता है, लेकिन मुझे यहाँ के स्थानीय जो एसडीओ है उनके द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई कि आज उद्घाटन होना है। और चूंकि आप सभी ने देखा है, शहरवासी सभी जानते हैं कि मैं इस ब्रिज की व्यवस्थाओं के लिए, यहाँ पे लाइट के लिए कितने समय से प्रयास कर रहा था। मुझे तो खुशी की बात है, हर्ष की बात है कि यहाँ की लाइट चालू हो गई, क्योंकि हमारे जो वार्डवासी हैं उनके लिए एक सुविधा मिल गई। लेकिन आज दुख इस बात का हुआ कि हमारे स्थानीय अधिकारी जो हैं एसडीओ, उन्होंने हम लोगों को सूचना नहीं दी, इस कारण थोड़ा मन में खेद जरूर है, और इसकी शिकायत मैं वरिष्ठ अधिकारी और अपने जो पार्टी पदाधिकारी हैं उनसे शिकायत करूंगा। आज नई बस्ती एवं नानक वार्ड से जो ओवरब्रिज निकला है, इसका उद्घाटन आनन फानन में कर लिया गया, और न स्थानीय जनप्रतिनिधियों जिनके बाढ़ से होकर जो ब्रिज जाता है उनको चंद घंटों पहले बताया गया, और यह अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम लोग ने इस ब्रिज के लिए, ब्रिज को लाइटों के लिए, ब्रिज के निर्माण के लिए मैं स्वयं कई बार एसडीएम के पास गया हूं, कई बार एसडीओ ब्रिज से बात करी, जिसके कारण ही इस ब्रिज का निर्माण हुआ है, और स्थानीय पार्षदों की अनदेखी करना यह ठीक नहीं, इसकी शिकायत ऊपर की जाएगी। पूरा देख रहे हैं आप, पूरे ब्रिज में लाइट ही लाइट है, और निश्चित रूप से माना कि जो छोटी मोटी और समस्याएं हैं, जैसे कि यहाँ डिवाइडर की समस्या है या कुछ भी है, तो ये भी बहुत जल्दी पूर्ण कर ली जाएगी। और इसके लिए हमने इससे पहले जब यहाँ सेतु का जो पूरा ब्रिज का निर्माण चल रहा था, तो यहाँ पर जो आचार्य विद्यासागर महाराज जी हैं, जो जैन समाज की काफी दिनों से, तो उनकी जब श्रद्धांजलि सभा हुई थी, उस दौरान हमने इस ब्रिज की घोषणा भी की थी कि इसका सेतु का नाम रखा जाएगा विद्यासागर महाराज सेतु। तो ये भी हमारी प्रोसेस, नगर पालिका अध्यक्ष जी से बात हो चुकी, हमारे जिलाध्यक्ष भी उस टाइम पे मौजूद थे, सीएमओ से बात होगी, अगली जो बैठक होगी नगर पालिका में उसका इसका नाम भी रखा जाएगा। देखिए, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जैसे ही ब्रिज चालू हुआ था उसी दिन गड्ढे हो गए थे भारी वाहनों से। इसकी कंप्लेंट मैंने लिखित में तुरंत, मैंने जो ब्रिज निर्माण के जो एसडीओ है, मैंने तुरंत की थी कि इसका जो गड्ढे वहां पर हुए थे वो भर भी गए थे, लेकिन गुणवत्ता के रूप में आप देखें तो अगर ब्रिज में तो उतना नहीं मुझे दिखाया अभी तक, और भी ब्रिज इसका प्रोसेस भी धीरे धीरे हो रही, बाकी जो ठेकेदार उनके पैसे भी रोके गए हैं, क्योंकि जो गुणवत्ता होना चाहिए वो नहीं हो पाई थी, तो हमारे एसडीओ से बात हुई थी तो इन लोगों ने हमसे बोला था इनके पैसे रोके गए, इसकी शायद कुछ सालों की गारंटी है, इस बीच अगर कुछ होता है तो फिर एसडीओ पे वो उन पे ठेकेदार पर। हाँ देखिए, इसकी भी बात हमने करी थी कि जैसे कि सर्विस रोड नहीं बनी है, अभी जो सर्विस रोड बनना चाहिए, यहाँ पर डिवाइडर होना चाहिए, तो ये सीकरी कर लिया जाएगा, क्योंकि ये मेजर समस्या थी, यदि इस काम के लिए हम करते तो ये ब्रिज और नहीं लंबे समय तक ऐसे पड़ा रहता और अंधेरे में पड़ा रहता, घटनाएं घट रही हैं, बारिश का मौसम है, तो इसलिए इस दुर्घटना से बचने के लिए लाइट चालू करवा ली है, बाकी जितना भी काम रह गया जैसे सर्विस रोड है, डिवाइडर नहीं बने हैं, और भी छोटी छोटी समस्याएं हैं, वो भी शीघ्र निदान किया जाए। देखिए, ये काम तो यहाँ पर जो उद्घाटन किए हैं, जैसे कि यहाँ पर एमपीपी का भी है, एसडीओ का भी रोल है, उनको कर देना चाहिए, लेकिन मैंने व्यक्तिगत दोनों पार्षद और नगर पालिका अध्यक्ष को, क्योंकि सभी हमारे पार्टी के लोग हैं, मैंने खुद व्यक्तिगत इनको सूचना दी थी।